यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि बोनस शेयर भी दे रहा है, स्टॉक स्प्लिट भी दे रहा है और यहाँ पर एक शेयर जो है 16 शेयर होने वाले हैं। तो इस शेयर के बारे में हम बात करेंगे, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जो लेटेस्ट बोनस और स्टॉक स्प्लिट है उसके बारे में बताइए। तो ये हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं सारे शेयर के बताएं, जो अच्छा हो उसके बारे में बताएं, लेकिन ये शेयर एक ऐसा है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों, हो सकता है ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन जाए, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी छोटा है और इसका जो मार्केट कैप है मात्र देखिए 25 करोड़ के आसपास है। तो इतने छोटे शेयर में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप पर्सनली इसके प्रमोटर्स को जानते हैं, कंपनी के बिजनेस को जानते हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिटेबल कंपनी हो। ऐसे इसकी बात करें तो देखिए, प्रोडक्ट जो है ये कंपनी रिफाइंड ऑयल का काम करती है और रिफाइंड ऑयल तो समझते हैं डेली प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं। अगर कंपनी यहाँ से अच्छा खासा कर देती है, अगर प्रोडक्ट कंपनी का चल जाता है तो कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मात्र 25 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर चल गया 2000 करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाता है तो समझ सकते हैं यहाँ से आपको जो रिटर्न होगा वो 100 टाइम्स का होगा। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक में। साथ साथ ये स्टॉक यहाँ से जब मार्केट शेयर काफ़ी कम हो तो ये स्टॉक को जो है जो मार्केट शेयर है वो छीन भी सकता है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो छीन भी सकती है। तो ये सारे सिनेरियो होता है जो छोटे स्टॉक होते हैं इस तरह के। अगर हम टेक्निकल चार्ट की देख की बात करें तो टेक्निकल चार्ट बिल्कुल भी यहाँ सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहता है, यहाँ पर आता है 17 रुपीज़ के आसपास और ऊपर मैक्सिमम जो बनाता है 33 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप कभी इन्वेस्ट करते हैं तो गिरावट मिला और साथ साथ रिजल्ट पे आपको हमेशा नज़र रखना चाहिए। अच्छा खासा रिजल्ट लाती है, जैसे देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल था लेकिन यहाँ से लॉस मेकिंग कंपनी पिछले 3 साल से हो चुकी है, तो कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ना करना चाहिए। यहाँ पर चार्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है। लेकिन कंपनी का अगर बात करें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है फेस वैल्यू 10 से 1 में स्प्लिट होगा, 10 शेयर मिलेंगे और फिर ये 10 शेयर पे 3:5 के रेशियो में बोनस जो है 6 शेयर मिलेंगे। तो इस तरह से एक शेयर अगर आपके पास है तो 16 शेयर हो जाएंगे, अगर 100 शेयर है तो 1600 शेयर्स हो जाएंगे। और अगर फिर से ये स्टॉक यहाँ से देखिए स्प्लिट होने के बाद इसका तो प्राइस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, और प्राइस जो है काफ़ी कम होने के बाद अगर 5 रुपीज़ भी चला जाता है तो बहुत बड़ा एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न इसके शेयर होल्डर को प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ 1 रुपीज़ और 80 पैसे के आसपास होगा, वहाँ से 5 रुपीज़ जाता है तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक के शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के स्टॉक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं तो फिर ये बनाते क्यों है, हम आपको इसलिए बनाते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारे चैनल को आपको लगातार देखते हैं तो हम ऐसा बताते हैं कि सेक्टर लीडर के साथ रहना है। देखिए, सेक्टर लीडर हो सकता है कंपनी प्रोडक्ट में लीड करता हो, देखिए कंपनी किसी न किसी तरह का एक मोट रखता हो। सेक्टर लीडर होने का मतलब है या तो प्रोडक्ट में मोट रखता हो या तो कंपनी का बिजनेस ही ऐसा हो जिसमें एंट्री काफ़ी कठिन हो। तो इस तरह के आपको कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म के लिए 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए रहना है, तब जाकर के आपका जो अच्छा खासा वहां पर वेल्थ जनरेट होगा। तो इस स्टॉक में आपको अवॉइड करना है। अगर आपके पास पहले से इन्वेस्टेड है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और यहां पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि बोनस शेयर के न्यूज़ के कारण आने वाले में हो सकता है कि तेजी देखने मिले और एक्स बोनस डेट इसका 13 अगस्त है। तो हमेशा इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना है जो कि काफ़ी रिस्की होता है, और अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो फिर आप एंट्री भी ले सकते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जब तक कंपनी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो तो तब तक इस तरह के स्टॉक में कभी ना फंसे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको काफ़ी बेहतरीन सारे स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आएंगे।